छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव जी ने प्रथम शिविर 22-23 नवंबर 1999 को सप्रे साला प्रांगण रायपुर छत्तीसगढ़ में किया था। और जब से अनवरत रूप से पूज्य गुरुदेव जी की कृपा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ के साधकों पर उनकी कृपा बरस रही है। और पूज्य गुरुदेव जी ने अपने आशीर्वाद वचन में दोपहर कहा था कि हनुमान भी राम की सेवा करके पूजनीय बन गए, ऐसे कुछ पूजनीय कार्यकर्ता भी हमारे इस निखिल मंत्र विज्ञान में सिद्धाश्रम साधक परिवार में हैं, जो 1999 से लेकर आज 2019 तक अनवरत रूप से पूज्य गुरुदेव जी की श्री चरणों में सेवारत हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जिस भाव के साथ कार्यकर्ता पहले दिन गुरु से जुड़ता है, जीवन के आखिरी सांस तक उसी भाव के साथ गुरु चरणों की सेवा करता रहे, ऐसे ही कुछ पूजनीय कार्यकर्ताओं को आज मैं पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में बुला रहा हूं। के तिवारी जी, तालियों के साथ आप सब साधक इनका अभिनंदन करें रायपुर से। पूज्य गुरुदेव इन्हें श्री सिद्धि माला के द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सद्गुरुदेव की हमारे सिद्धाश्रम साधक परिवार के, जिन्हें पूरा सिद्धाश्रम बबला उपाध्याय जी के नाम से जानता है, वैसे उनका नाम बुद्धेश्वर उपाध्याय जी है, लेकिन सब उन्हें बबला भैया के नाम से ही पुकारते हैं, बबला उपाध्याय जी। और श्रीमती दमयंती उपाध्याय जी, सद्गुरुदेव की। ये बबला जी से भी ज्यादा सेवा करती हैं। शक्ति से सुदामा चंद्रा जी, बिलासपुर से एसआर शिंदे जी, दुर्ग से ध्रुव चंद्राकर जी, नगरी से अमृत साहू जी, डोंगरगढ़ से बीएल वर्मा जी,
बसना से नरेंद्र साहब जी और सोनी से चांपा से संतोष सोनी जी ये सब कार्यकर्ता हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि जो इतने वर्षों से अनवरत रूप से गुरु कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले ये जिस भाव के साथ कार्य करते थे इनके भाव कम हुए हैं, प्रतिवर्ष दुगने उत्साह और दुगने भाव के साथ इनकी भावनाएं बढ़ी हैं और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में हमारे इस निखिल मंत्र विज्ञान परिवार में वृद्धि हो रही है। और हमारे रायपुर से अर्जुन नापित जी ऐसा ही संकल्प हर शिष्य को लेना चाहिए कि वो भी गुरु कार्य करेगा और उसके जीवन में भी कभी ऐसे सौभाग्य के क्षण आए कि जब पूज्य गुरुदेव जी की कृपा उस शिष्य को उस कार्यकर्ता को प्राप्त हो। उसके लिए आपको गुरु को कोई चीज भेंट करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मूल उद्देश्य है पूज्य गुरुदेव जी की वाणी, जिसे पूज्य गुरुदेव सबसे अधिक जीवन में प्रेम करते हैं, हमारी पत्रिका निखिल मंत्र विज्ञान। हर कार्यकर्ता आज ये संकल्प ले कि इस पत्रिका को छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम में, घर घर में इस ज्ञान को पहुंचाना है। यही वास्तविक हमारी गुरु सेवा होगी।